Hello students, I am Mukti Sa from Asian Learning Center and we are studying science chapter 8, How do organisms reproduce? And today is our fourth lecture. In previous three lectures, we have already completed the study about mode of asexual reproduction. And now today we are moving towards the modes of sexual reproduction. देखिए ये जो पूरा पार्ट है वो हम स्टैंडर्ड एट में ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं मैंने आपको स्टैंडर्ड एट में भी बताया था कि ये पूरा का पूरा पार्ट पूरा चैप्टर वापस स्टैंडर्ड टेन में आने वाला है तो जिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड में इसको प्रॉपरली स्टडी किया है उनके लिए ये रिविजन है स्कोर करना बहुत ही आसान हो जाएगा उनके लिए चलिए देखते हैं इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सिस मतलब मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व ज टू ग्रो एंड डेवलप इन टू एन ऑर्गेनिजम विथ हाईली स्पेशू एंड ऑर्गन इट है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना है ग्रो होना है डेवलप होना है हाईली स्पेसलाइज टिश्यूज एंड ऑर्गन वाला ऑर्गेनिज्म बनना है तो उसको चाहिए एनर्जी अब तो उसको एनर्जी मिलेगी कहाँ से यहाँ पे तो सिर्फ दो सेल यूज हो रहे हैं मेल एंड फीमेल सेल, तो देखिए यहाँ पे स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है सिंपल ऑर्गेनिज्म है ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ जर्म सेल डेट आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर मतलब मेल एंड फीमेल सेल्स आर नियरली इक्वल नियरली सिमिलर इन साइज इन सिंपल ऑर्गेनिज्म इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम लाइक अस द साइज ऑफ जर्म सेल्स वेर इज ग्रेटली उनकी साइज बहुत ही डिफरेंट है मतलब कि किसी एक की बहुत ही बड़ी है मतलब जम सेल की साइज बहुत बड़ी है एंड सेकेंडली छोटी सी इन दिस ऑर्गेनिज्म वन जंप सेल दैट कंटेन्स द फूड स्टोर्ड इन लार्जर फूड स्टोर्ड इज लार्जर एंड इज नोन एज फीमेल गैमेट तो फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है उसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है क्यों तो ये फूड में से एनर्जी मिलेगी जाइगोट को डेवलप होने के लिए वाइल द अदर जर्म सेल विच इज स्मॉलर एंड मोटाइल इज नोन एज मेल गैमेट

सिखाई है आपके फेवरेट चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी तो एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स उनके पास फ्लावर होते हैं सीड्स होते हैं फ्रूट होते हैं दे रिप्रोडक्टिव पार्ट विद इन द फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में होता है एंड देयर सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और हम जितने भी फ्रूट खाते हैं आपको पता ही है उसमें सीड छुपे हुए होते हैं मोस्ट प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम फ्लावर एंड आर नोन बाई सेक्सुअल फ्लावर जैसे कि लीली, -ली, रोज हिबिस्कस मस्टर्ड एक्सेट्रा तो हिबिस्कस तो बहुत ही फेमस है आपने देखा ही है नहीं देखा है तो जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे तब हम दिखा देंगे आपको तो हिबिस्कस में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं जिसको हम बोलते हैं बाई सेक्सुअल फ्लावर्स वाइल अदर्स है यूनिसेक् फ्लावर uh, होते हैं ये भी हमारे पास है आप ऑफलाइन आओगे तब हम दोनों के फ्लावर आपको दिखा देंगे यूनिसेक्सुअल एंड बाई सेक्सुअल अ फ्लावर इज कम्प्राइज ऑफ फोर मेन पार्ट फोर मेन पार्ट है फ्लावर के सेपल्स पेटल्स एंड कर्पल तो देखते हैं यहाँ पे देखिये ये पूरा फ्लावर का लॉन्चिट सेक्शन है इसको आप बहुत ध्यान से देख सकते हो जो फ्लावर होता है जहां से हमने उसको पकड़ा है वहां पे जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे लीव जैसा स्ट्रक्चर फ्लावर के नीचे बेसमेंट में होता है इसको बोलते हैं तो यहाँ पे होता है इसको कहते हैं सेपल्स ग्रीन कलर का होता है एंड जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जो अट्रैक्ट करता है हमें तो वो है क्या कहते हैं उसको पेटल्स ओके नाउ तो ये है सेपल्स ये है पेटल्स फिर यहाँ पे बीच में ऐसे ब्यूटीफुल एक लाइन है और यहाँ पे है ये हमारी कार्पेल कार्पेल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओके okay, यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है ये है स्टिग्मा ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी क्लियर तो ये हो गई हमारी कार्पेल और यू कैन से पिस्टिल फिर स्टेमेन की बात करते हैं तो स्टेमेन देखो यहाँ पे ये लंबी जा रही है पाइपलाइन और उसके ऊपर कुछ है तो ये जो कुछ है उसको बोलते हैं जो लंबी है वो है फिलामेंट तो ये है फिलामेंट ये है एंथर एंथर के अंदर पोलन सेक होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी पोलन ग्रेन होती है पता है ना आपको देखिए डिटेल में देखते हैं इनको सेपल्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एज दी Outermost circle they provide protection to the bird in the initial stages all the sepals taken together are called calyx to so, jitne bhi sepals hai un sab ko collectively bolte hai calyx okay, और उनका काम क्या है जब flower बर्ड form में होता है छोटू सा तब उसको protect करता है उसको cover करके

कार्पेल पिस्टिल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसके ऊपर टीप रीजन पे आपने देख देखना आप सराउंडिंग में येलो येलो कलर के बहुत सारे फिलामेंट आपको दिखेंगे जो है स्टेमेन एंथर इट टीप बाइलोब स्ट्रक्चर कंटेनिंग टू कोल प्रोड्यूस कोल ये कलर फिलाेंट इट इज दपोस

Style, it is the middle elongated part of carpel which helps in the attachment of stigma to the ovary. And ovary, it is the swollen bottom part of carpel which contains ovules having an X cell. Matlav, female gamete. The male germ cell must fuse with the female germ cell to initiate the process of reproduction in plant. फॉर दिस इट इज ने टू परफॉर्म पोलिनेसन और आपको पता ही है पोलिनेसन हम डिटेल में स्टैंडर्ड एट में सीख के आए हैं वो वहीं का वही है सेम टू तो सेम द ट्रांसफर ऑफ पोल ग्रेन फ्रॉम दर ऑफ दू दिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्म डेस पोलिनेसन दोलियन ग्रेन कैन बी ट्रांसफर बाई वेरियस एजेंट लाइक विन वॉटर इंसेक्ट एनिमल्स इनके थ्रू ट्रांसफर होती है पोलिनेसन दो टाइप के होते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन ये भी हमने पढ़ा है सेल्फ पोलिनेशन मतलब इन विच द पोलिन फ्रॉम दी स्टेम ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर सेम फ्लावर में अगर ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन बाई फ्लावर में ये होता है क्रॉस पोलिनेशन इन विच दोलन फ्रॉम दिन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन देखिए यहाँ पे बताया गया है विंड एंड इंसेक्ट से इन लोगों का पोलिनेशन होता है ओके टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है यहाँ पे ये यह है सेल्फ पोलिनेशन ये बाई फ्लावर है ये भी सेल्फ पोलिनेशन सेम प्लांट में दो फ्लावर में होता है तो अगर एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है तो ये हो गया क्रॉस पोलिनेशन ओके एंड ये है आर्टिफिशियल पोलिनेशन जो हैंड से किया जाता है ब्रश से किया जाता है बाय ह्यूमन fertilization kise hai? is followed by fertilization in plant it is the process of fusion of male germ cell produced by pollen grain with the female gametes present in the ovule it gives rise to a zygote which is capable of growing into a new plant the pollen tube grows out of the pollen grain travels through the style and finally reaches the ovary thus after the pollen lands on a suitable stigma

तो पोलन ट्यूब बन जाती है जिसमें से पोलन ग्रेन एंटर होती है कहाँ पे ओवरी में तो ओवरी में जहाँ पे उसके एग सेल है वहां पे ये पोलन ग्रेन्स आ जाती है एंड फिर यहाँ पे फ्यूजन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस आई गोट डिवाइड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म एंड एम्ब्रियो विद इन दी तो यहाँ पे ओविल में वो एम्ब्रियो बनाएगा दिस देन डेवलप्स अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इन टू अड फिर ये जो ओव्यूल है वो अपने सराउंड में टफ कोट बनाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा सीड में जैसे सीड आपने चीकू के अंदर देखे है एप्पल के अंदर देखे है वो टफ कोटिंग वाला सीड अंदर जो होता है वो ओके okay, तो वो ओव्यूल में से डेवलप होता है द ओवरी रैपिडली ग्रोज एंड राइपनेस फ्रूट एंड जो ओवरी है वो कंटिन्यूसली ग्रो होती है राइप होती है एंड फ्रूट बन जाती है तो एप्पल का जो पार्ट हम खाते हैं ना वो है उसकी ओवरी फिर सीड उसके अंदर है मैंगो हमने खाया तो मैंगो की जो अंदर गुटली होती है वो है उसका सीड एंड उसके सराउंडिंग का जो टेस्टी पार्ट है वो है उसकी ओवरी जो राइप होती है एज अ फ्रूट द सीड कंटेन्स फ्यूचर एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ अर अंडर सुटेबल कंडीशन अब उसी सीड को आप फ्रूट तो आप खा जाओगे उसके बाद जो सीड है उसको अगर सुटेबल एनवायरमेंट दिया जाए तो वो नए प्लांटलेट में ग्रो होगा दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन ओके तो क्लियर हो गया पहले पोलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन एंड देन जर्मिनेशन क्लियर ओके नाउ डिफरेंस बिटवीन पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन वैसे तो आपको क्लियरली पता चल ही गया होगा कि पोलिनेशन होने के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा एंड फर्टिलाइज होने के बाद जर्मिनेशन होगा ओके फिर भी इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कई बार पूछते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो समझ लेते हैं उसका डिफरेंस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ओके एंथर से स्टिग्मा पे पोलिन ग्रेन की को जाने की ट्रांसफर होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन

pollination occurs in seed bearing plant and fertilization occurs in both plants and animal to so fertilization sab mein hoga plant and animal mein lekin pollination to seed for seed of seed bearing plant mein hi hoga ओके okay, तो ये उनका basic difference है ध्यान में रखना अच्छे से note down कर देना exam में अगर पूछा जाए तो explain कर देना ओके okay. तो आज के लिए इतना ही अगर कुछ डाउट है तो नोट no डाउन कर दीजिए यू कैन मैसेज में और यू कैन आस्क इन अवर क्वेरी सोल्यूशन अवर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल डेट बाय